ये कहते हैं कि लगाए, मैं उनको इतना बोलना चाहता हूँ कि जब सुनामी आती है तो एक बूथ को जिम्मेवार नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले तो सुनामी चली कहाँ से, उस भूकंप की गहराई को नापना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है जीत से ज्यादा उसकी गहराई को कोई नापने का काम नहीं। और आप सबसे निवेदन है कि हमें संक्षिप्त रहकर मजबूती के साथ जनरेश्वर के चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे ले जाते हुए, चौटाला साहब का मान सम्मान रखते हुए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष को याद रखते हुए अपने संक्षिप्त को नई ताकत, नई मजबूरी दे, मजबूती देने का काम करना है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, पूरा आसमान बादलों को चीर कर एक चीज जरूर जारी है करके यहाँ से, ये हमारा है। ये कहते हैं कि लगाए, मैं उनको इतना बोलना चाहता हूँ कि जब सुनामी आती है तो एक बूथ को जिम्मेवार नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले तो सुनामी चली कहाँ से, उस भूकंप की गहराई को नापना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है जीत से ज्यादा उसकी गहराई को कोई नापने का काम नहीं। और आप सबसे निवेदन है कि हमें संक्षिप्त रहकर मजबूती के साथ जनरेश्वर के चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे ले जाते हुए, चौटाला साहब का मान सम्मान रखते हुए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष को याद रखते हुए अपने संक्षिप्त को नई ताकत, नई मजबूरी दे, मजबूती देने का काम करना है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, पूरा आसमान बादलों को चीर कर एक चीज जरूर जारी है करके यहाँ से, कि हमारा एरिया है सूर्य आसमान बादलों को चीर कर हमारा है।
बैठो भाई साहब, भाई साहब नोटिस का जवाब तो मैंने नटाला साहब से मिलकर भी उनको दे दिया और अब एक कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी का भी मैं अपना स्पष्ट रखना चाहूंगा। पड़ा हुआ उस नोटिस को पढ़ के और मुझे पूरा विश्वास है उस नोटिस को चौटाला साहब ने भी लिखवाया होगा, उसमें शब्द लिखे गए कि संगठन को तोड़ने के लिए गैर संगठनों के साथ मिलकर आप प्रयास कर रहे हैं। आप सब पिछले 10 साल से निरंतर मेरे को देखते भी रहे, समझाते भी रहे, पर कोई एक ऐसी बात हुई जहां हमने चौधरी देवीलाल की विचारधारा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को कहीं तोड़ने का काम किया? हमने तो दिन रात एक कर दिया इस प्रयास के अंदर और आज भी लगे हुए और बढ़ते दम तक चौधरी देवीलाल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नारे लगाना हमारा कर्तव्य है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अच्छा मैं एक चीज जरूर आपके बीच में बोलना चाहूंगा और ये चीज मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सीखी है। ये असूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आऊंगा। गलीजा नारे लगाने अगले साल मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि झेंझ की धरती से न्याय युद्ध की शुरुआत हुई थी और अगर आने वाले समय में न्याय होगा तो फिर दोबारा जींद की धरती पर न्याय जलाने का काम होगा। तो एक चीज जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा कि निरंतर संगठन की ओर से चाहे महेंद्रगढ़, चाहे रेवाड़ी, चाहे पलवल, जहां भी जिम्मेवारी लगी, एक कर्मठ सिपाही के नाते चाहे सस्ती दोपहरी में, चाहे कड़कड़ाती ठंड के अंदर जहां पार्टी ने भेजा वहां पर काम करने का काम किया। पर अब कुछ लोग हैं जो संगठन के सिरे, मैं तो उन लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा, रख दिया है कलेजा जालिमों के तीर पर, फैसला कर लिया है छूना है आसमान बादलों को चीर कर। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज हम सब ने मिलकर एक चीज जरूर जानी है करके यहां से कि हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा कि हमारे परिवार के मुखिया, पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हम पूरा मान सम्मान रखने का काम करेंगे, जो भी फैसला दे उसका स्वागत करेंगे। और मैं एक विनती करूंगा, कई युवा साथी
माया जब भी कह रहे थे श्री माया भाई हूँ तुम्हारा बेटा हूँ निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ और रहूंगा। और एक निवेदन है ये भावी लगाना छोड़ते हो, आप सबने संगठन को मजबूती दी है, एक होकर दी है और एक होकर इसको आगे ले जाने का काम करो। और मैं विश्वास दिला देता जो आपका हौसला है उम्मीद है उसको 1% मैं भी टूटने का काम नहीं करूंगा। सबसे यही विनती है कि जिस तरह का प्यार मान सम्मान हमेशा दीन से मिला, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि दीन की धरती इंसाफ भी दिलाना चाहेगी, न्याय भी दिलाना चाहेगी। मेरे को तो कमेटी के अध्यक्ष का पता है कि शेर सिंह बड़छावी जी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ मेंबर आएंगे, अगर वो भी बुलाएंगे तो उनके आगे भी जाकर अपना जवाब देने का काम करूंगा। मगर मेरे पे आरोप लगाया गया, आगे वाले बैठ गए, इसलिए भी खड़े हो गए। मेरे पे आरोप लगाया गया है झंडा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 105वें सम्मान दिवस पर जो नारे लगाए गए वो मैंने लगवाने का काम किया। बुजुर्गो युवा साथियों, एक चीज बोलूंगा कि जो ये कहते हैं कि लगाए, मैं उनको इतना बोलना चाहता हूँ जब सुनामी आती है तो एक बूंद को जिम्मेवार नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले वो सुनामी चली कहाँ से, उस भूखंड की गहराई को नापना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है जीत से ज्यादा उसकी गहराई को कोई नापने का काम नहीं है। और आप सबसे निवेदन है कि हमें संगठित रहकर मजबूती के साथ जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे ले जाते हुए चौटाला साहब का मान सम्मान रखते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष को याद रखते हुए अपने संगठन को नई ताकत नई मजबूती देने का काम करना है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, फैसला निर्णय कुछ भी आए मैं फैसला इसी तरीके जींद की धरती पर आकर आपके बीच में छोड़ने का काम करूंगा। आप उसके अंदर कोई निर्णय लेंगे, आप जो फैसला लेंगे डॉक्टर साहब को वो फैसला बताकर उस फैसले पे मोर लगवाने का मैं काम करूंगा। पर मैं यही उम्मीद रखूंगा कि एक एक संगठन का मजबूत कार्यकर्ता इसी मजबूती के साथ आगे चलने का काम करेगा। और अंत में एक चीज कहूंगा, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, साथियों चलना है तो चलना है, दरिया की जिद है रास्ता नहीं दूंगी, हमने तय कर लिया इस बार समुंदर हमने पार कर लिया। आपके बीच में करने आया था और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी संगठन के मजबूत साथी इसी मजबूती के साथ चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को और बढ़ाने का भी काम करेंगे और मजबूती देने का भी काम करेंगे। पर मेरी यही विनती है कि हमने चौटाला साहब के सम्मान के आगे एक इंच भी उनके कंधों को कमजोर करने का काम नहीं करना। हमारा एकमात्र फर्ज रहना चाहिए कि चौटाला साहब के कंधों को पहले से भी ज्यादा मिलकर मजबूती देने का काम करें और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज आपको विश्वास के तौर पर बोल सकता, निरंतर युवा साथियों के संघर्ष के लिए हम मैदान में रहे, हमने एक लड़ाई छेड़ी है कि रोजगार हमारा अधिकार है। आज हरियाणा के अंदर 17.5 लाख नौकरियां गुड़गांव जैसे शहर में, हरियाणा के 2.5 लाख बालक, आज हमारा अधिकार कहाँ है? जमीन हमसे लेते हैं, बिजली पानी हमसे लेते हैं, पर रोजगार देने की बात आती है तो पढ़े लिखे युवा साथियों को भी दूर फेंकने का काम करते हैं। तो मैं एक निवेदन प्रार्थना आपसे करता हूँ कि उस अधिकार की लड़ाई के अंदर
हमें आप सबके सहयोग की सम्मान की जरूरत पड़ेगी और घर घर जाकर एक एक शिक्षित युवा को आज हमें सड़कों पर निकालना पड़ेगा और ये मानकर चलना आज वोटिंग लिस्ट जो नई बड़ी थी अक्टूबर 1 को आई थी उसमें पता किया 40 साल से नीचे 18 साल से ऊपर जो वोटर है वो इस प्रदेश की 60% वोटिंग आबादी का हिस्सा है। आज वो लेकर उन युवा साथियों को जब हम संगठन में चलेंगे तो ये मानकर चलना अगले 50 साल तक चौधरी देवीलाल के जयकारे इस हरियाणा और इस हिंदुस्तान की धरती पर हमें सुनने को मिलेंगे। मैं यही आग्रह आपसे करता हूँ कि अब आप सबकी जिम्मेवारी है, आप सब ने मजबूती के साथ चौधरी देवीलाल के इस गढ़ को जीतने का काम करना है। आप सब आए, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।